चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि किस तरह मनुष्य हर तरह की परेशानियों को चुटकी में हल कर सकता है। बस जरूरत है सही समय पर सही फैसला लेने को। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को कुछ जानवरों से सीख लेनी चाहिए। कभी कभी आप पूरी मेहनत से काम करते हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिलती। हमेशा और लगातार काम आपको और आपके अपनों से भी दूर कर देता है। कुल मिलाकर आप दोनों तरफ से पिछड़ जाते हैं, पारिवारिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। ऐसे में चाणक्य नीति के अनुसार आपको अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत है। आचार्य चाणक्य बताते हैं, विद्या या ज्ञान किसी मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को गधे, बाज, शेर और सांप से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इन जानवरों के गुण आपको राजा बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गधा पूरी जिंदगी काम करता है बिना सोचे समझे कि क्या कर रहा है। ऐसे में ना उसे इज्जत मिलती है और ना ही प्रशंसा। गधा अपनी पूरी जिंदगी गधे जैसा ही गुजार देता है, यानी गधा पूरी जिंदगी गुलाम की तरह रहता है और गुलाम की तरह ही मर जाता है। गधा हमें यह सिखाता है कि बिना लक्ष्य के ना तो आपके अंदर की प्रतिभा को निकालने का मौका मिलेगा और ना ही आप कुछ सीख सकेंगे। आपको जिंदगी भर दूसरे की गुलामी ही करनी पड़ेगी। बाज, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जंगल में कई जानवर होते हैं जो पेट पालने के लिए मेहनत करते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन वह कभी सफल होते हैं तो कभी असफल। लेकिन एक जानवर ऐसा भी है जो कभी विफल नहीं होता, वह है बाज। बाज अपने लक्ष्य को साधने के लिए घंटों मेहनत करता है और आखिर में जब वह उस लक्ष्य शिकार की तरफ बढ़ता है तो उसे पाकर भी दम लेता है। बाज से मनुष्य को सीखना चाहिए कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं ले। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो ही पूरा वक्त लेकर अपने लक्ष्य को साधे। से आचार्य चाणक्य कहते, जंगल के जिस जानवर से मनुष्य को सीख लेने की जरूरत है वह शेर। जंगल का राजा शेर भी अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल अस्वस्थ होने पर ही शिकार करता है। खास बात यह है कि लक्ष्य कितना ही छोटा क्यों न हो, शेर का शिकार उतने ही तन्मय के साथ होगा जितना कि किसी बड़े जानवर के लिए शिकार के लिए होता है। मतलब लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसको पाने के लिए की गई कोशिश बड़ी या छोटी होती है। उदाहरण के लिए, एक बार एक चप्पल कंपनी ने एक फोन बनाया, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम से इस फोन को थोड़ा और स्लिम करने के लिए कहा, जिस पर टीम ने इसे नामुमकिन बताया और इनकार कर दिया। तभी स्टीव जॉब्स ने फोन को पानी में डाल दिया और कहा कि देखो, फोन से बुलबुले निकल रहे हैं, जिसका मतलब है फोन में हवा के लिए स्पेस रह गया है। इसे हटाकर फोन को और स्लिम किया जा सकता है। कहानी का मतलब यह है कि लक्ष्य प्राप्त करने में कभी आलस नहीं करना और पूरी तन्मय के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ने पर ही कामयाबी मिलती है। दोस्तों, साथ आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी कमजोरी को अपने लक्ष्य के आगे ना आने दे। सांप के पैर नहीं होते, फिर भी सांप की आक्रामकता और सतर्कता का कोई कमी नहीं है। सांप ने अपनी ताकत पर भरोसा किया और कमजोरी खुद ब खुद छिप गई। सांप रेंगते रेंगते शिकार करता है और सफल होता है। सांप योद्धा की तरह जीना सिखाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन होना जरूरी है। सफलता का जुनून ही जो आपको राजा बनाएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके और आप लोगों के पास रोज नए नए मोटिवेशन वीडियो लेके आते रहे और आप लोगों को मोटिवेट करते रहे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो आए पहले आप तक आए। मिलते हैं आपको इसी तरह मोटिवेट करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।